फिर भी तुम्हें संकट सताए, पान के पत्ते में राम लिखो। पान पत्ता जानते हो ना, पान के पत्ते में राम लिखो लाल चंदन से। लाल चंदन से राम लिखकर 108 पान के पत्तों की माला बनाकर शनिवार के दिन जो मनोकामना हो वो बोलकर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। हनुमान जी महाराज 21 शनिवार होते होते तक तुम्हारा काम सफल कर देंगे। लेकिन पुरुषार्थ भी करो, ये कार्य भी करो, पुरुषार्थ भी करो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक आदमी हमें मिला छत्तीसगढ़ का, नाम फोकटलाल बेमेतरा का मिला। हमने कहा और बताओ क्या बात है, बोले सब ठीक है। हमने कहा बागेश्वर धाम नहीं आए, अरे बोले 21 बार आए, 22 बार। हमने कहा 22 बार आए, क्या बात है, काम हो गया? बोले काम हुआ। हमने कहा क्यों नहीं हुआ? बोले ये तुम बताओ। हमने अपना वाईफाई लिया, सन्यासी बाबा से कॉन्टेक्ट किया कि अगर इस प्रकार से लोग 20-20, 22-22 बार आएंगे और काम सफल नहीं होगा तो कौन तुम पे भरोसा करेगा, कोई नहीं आएगा। बेमेतरा का फोकटलाल बोला अब जो भी कहना हो बताओ जल्दी, क्यों नहीं हुआ? हाँ तो हमें सन्यासी बाबा बोले इससे पूछो अर्जी क्या थी। हमने कहा भाई साहब तुम्हारी अर्जी क्या थी? बोले लड़का, लड़का नहीं हो रहा। हमने सन्यासी बाबा से कहा लड़का नहीं हो रहा इसीलिए इसकी अर्जी थी, तो अभी तक कबूल नहीं हुई। सन्यासी बाबा बोले इससे पूछो शादी भाई। हमने पूछा एक बात बताओ, डरते डरते पूछा कि जिसने अर्जी लड़का की लगाई हो शादी तो हुई होगी। हमें लगा हो सकत जी मजाक कर रहे, कई बार मूड में होते हैं। हमने कहा फोकटलाल जी शादी हुई? बोले नहीं। फिर हमारा दिमाग खराब, हम कहा ठटरी के बरे नक्कटा आगी के लगे, जब शादी नहीं हुई तो लड़के की अर्जी होने की कैसे लगा दी? बोले हमने थोक में लगा दी।